इस चैनल पे लास्ट 28 डेज में लगभग 5 लाख व्यूज आए हैं, लेकिन इन 5 लाख व्यूज में इसकी अर्निंग $100 से लेकर $2000 तक हो रही है। एंड हाँ, मुझे पता है सोशल ब्लेड पर जो तुम अर्निंग देखते हो पूरी तरह से सच नहीं होती, लेकिन ये एक अर्निंग चैनल है जिसका रेवेन्यू वैसे ही हाई रहता है, इसलिए इसकी अर्निंग तुम $800 से $1000 भी लगा के चल सकती हो। एंड साथ ही साथ इस चैनल पे स्पॉन्सर के रेट बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, जिस कारण से इसको स्पॉन्सर भी ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसकी अर्निंग 2 से 3 लाख पर मंथ हो जाती है। तो बेसिकली इस वीडियो में तुम्हें कुछ चैनल्स बताऊंगा फुल इन्फॉर्मेशन के साथ कि कैसे तुम्हें उन्हें बनाना है एंड ग्रो करना है। एंड साथ ही साथ जो चैनल मैं तुम्हें इस वीडियो बताऊंगा उनके ग्रो होने की गारंटी 100% है। एंड इससे पहले तुम आगे बढ़ो, ये जान लो इस वीडियो में एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें काफी कम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसमें कंटेंट काफी ज्यादा है और इस पे व्यूअरशिप भी बहुत ज्यादा है, तो तुम इस चैनल को बना के इजीली अपना चैनल 2 से 3 महीने में या फिर 1 महीने में ग्रो कर सकते हो। एंड हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम्हें अपने चैनल के रिलेटेड या फिर इन चैनल के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर लेना। तो अगर तुम ये वाला पार्ट लाइक करके देख रहे हो तो थैंक यू, अगर लाइक नहीं किया अभी लाइक कर दो क्योंकि तुम्हारी भी वरना लाइक नहीं आएंगी, फ्री की चीज है कर दो यार। एंड हर बंदा जो भी एक क्रिएटर है इस वीडियो के नीचे 5 से 6 कमेंट, एक बंदा 5 से 6 अलग अलग कमेंट कर देना। एंड ये अपने शाउट आउट विनर जिन्होंने पिछली वीडियो के नीचे बड़े बड़े कमेंट किए थे, तो जाके इन्हें भी सपोर्ट दिखाओ। चैनल नंबर 1 है अपना मोटिवेशनल चैनल। अब ये सुनने के बाद तुम में से काफी सारे लोग कहेंगे भाई मैं तो खुद जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, मैं दूसरों क्या ही मोटिवेशन दूंगा। तो देखो, जरूरी नहीं है कि अगर तुमको मोटिवेशनल चैनल ओपन करना है तो तुमको जिंदगी में कुछ उखाड़ना ही पड़ेगा या कुछ बड़ा अचीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जितने बड़े मोटिवेशनल चैनल को देखते, लाइक संदीप सर का जो चैनल है या फिर विवेक बिंद्रा सर का चैनल या फिर अलग अलग जो मोटिवेशनल चैनल है, ये जो स्टोरीज वगैरह सब सुनाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनसे कनेक्टेड हो। कुछ स्टोरी इन्होंने किसी बुक में पढ़ी होती है या फिर इन्हें मोटिवेशनल लगती है तो ये अपनी ऑडियंस को बताते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑडियंस को ही टारगेट करते हैं। अब एग्जांपल के तुम संदीप सर का कोई भी एक वीडियो उठाकर देख लो, उस वीडियो में जब वो सेशन शुरू करेंगे स्टार्टिंग में वो खुद बोलेंगे, बाद में ऑडियंस की प्रॉब्लम सुनना शुरू कर देंगे, उनकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। बट अगर तुम एक न्यू चैनल अभी ओपन कर भी लेते हो, चाहे वो शॉर्ट में हो या लॉन्ग में, तो फिर तुम्हारे पास तो कोई ऑडियंस होगी नहीं जिसकी तुम प्रॉब्लम ना सुन पाओगे ना सॉल्व कर पाओगे, तो तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा। तो इस तरह के चैनल को चलाने के लिए बहुत ही ईजी मेथड है। एंड साथ ही साथ तुम इसका यूज चाहे शॉर्ट में करो चाहे लॉन्ग में, तुम्हारी मर्जी। अब अगर तुम गूगल पर जाते हो तुम्हें मिल जाएगी मोटिवेशनल लाइंस। अब उन लाइन को तुम डायरेक्टली तो नहीं लगाओगी क्योंकि उन लाइंस के पीछे कोई ना कोई छोटी स्टोरी तो जरूर होती है, तो स्टोरी एंड उसके क्रिएटर का पता करने के बाद अब फाइनली तुम्हारे पास मोटिवेशनल लाइन भी आ चुकी है, उसकी स्टोरी भी आ चुकी है, उसके क्रिएटर का भी तुम्हें पता है। अब देखो, लॉन्ग वीडियो में तो टाइटल और थंबनेल देख के तुम्हें क्लिक्स आ जाएंगे, तुम पूरी स्टोरी पूरी वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हो, पर शॉर्ट में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट में व्यूअर कभी भी तुम्हारा वीडियो स्किप कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूं जो कि तुम शॉर्ट के लिए फॉलो कर सकते हो। तो मान लो तुमने शॉर्ट बनाया, तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग में करनी स्टोरी टेलिंग, यानी कि जो वीडियो की मेन स्टोरी है वो तुम्हें स्टार्टिंग में बतानी है, इसके लिए तुम्हारी स्टोरी टेलिंग स्किल काफी ज्यादा बढ़िया होनी चाहिए। एंड उसके बाद जब तुम अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लोगे तब उस फेमस मोटिवेशनल लाइन के बारे में तुम्हें बोलना है, एंड उसके बाद उसके क्रिएटर के बारे में। एंड मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं लाइक मोटिवेशनल टाइप, जिसमें कि वो किसी क्रिएटर की लाइफ टाइम स्टोरी या उसकी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तो इसके लिए तुम दीपक दहिया की थंबनेल देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी कैटेगरी नंबर 2 जो कि फैक्ट चैनल। तो देखो, फैक्ट कैटेगरी काफी सारे लोग अभी मानते हैं कि चल रही है और काफी सारे लोग मानते हैं कि अभी इसका क्रेज बहुत ज्यादा कम हो गया, लेकिन फैक्ट हमेशा चलते रहे हैं, हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन फैक्ट भी अब चेंज हो चुके हैं। लाइक अगर तुम इट्स फैक्ट जैसे वीडियोस बनाओगे तो तुम्हें उसके जैसे व्यूज नहीं मिलने वाले क्योंकि इस तरह की ऑडियंस काफी सारा डाउन हो चुकी है। लेकिन अगर तुम कुछ इस तरह के वीडियो बनाते हो, लाइक कोई मार्केट में स्कैम चल रहा है उसके रिलेटेड फैक्ट चेक करके कोई वीडियो बनाते हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोज या फिर कुछ भी बन रहा है या फिर किसी रैपर क्रिएटर या किसी भी चीज के ऊपर, इनके ऊपर तुम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डिटेल में बनाते हो तो भी फैक्ट के अंडर आता है, और इस तरह की वीडियो काफी ज्यादा रिकमेंडेशन भी होती है और काफी अच्छे व्यूज भी इन पे आते हैं। एंड ध्रुव राठी और तू हर्ष जैसे चैनल्स ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनमें काफी अच्छी व्यूअरशिप भी उनको मिलती है, तुम भी ऐसा कर सकते हो। अब चाहे तुम शॉर्ट में करो लॉन्ग में, दोनों में ये चीज तुम कर सकते हो। बाकी बढ़ते अपने चैनल की 3rd कैटेगरी पे, जिसपे अगर तुम वीडियो बनाते हो तो 100% ग्रोथ पक्की है, वो सिर्फ 1 महीने में, क्योंकि इस पे काफी कम लोग वीडियो बनाते हैं, जितने बनाते हैं उनके अच्छी खासी व्यूअरशिप मिलती है। तो ये कैटेगरी है स्टोरी टेलिंग, एंड इसका यूज टेक्नो गेमर्स भी करते हैं जिसकी वजह से उनके इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी एंड व्यूअरशिप भी काफी तगड़ी आती है। स्टोरी टेलिंग का यूज काफी सारे क्रिएटर्स करते हैं जिसकी वजह से वो अपने इसी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्टेंट को अपनी ऑडियंस को इजिली एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑडियंस के बीच अपनी बॉन्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो इससे तुम्हें ये तो पता चल गया, अगर तुम स्टोरी चैनल बनाते हो तो इजिली तुम्हें ग्रोथ मिल जाएगी क्योंकि लोगों को स्टोरी सुनना तो पसंद है, अगर उनके मतलब की स्टोरी तुम उन्हें सुनाते हो लिटरली तुम्हें वो ग्रोथ देंगे। अभी स्टोरीज भी अलग अलग तरह की होती है, जिस तरह की तुम्हें ऑडियंस चाहिए उसी तरह की तुम्हें स्टोरीज पे फोकस करना पड़ेगा। स्टोरीज में भी तुम्हें एक कैटेगरी रखनी पड़ेगी, लाइक कुछ लोगों को क्रिमिनल स्टोरीज पसंद होती है, कुछ को इमेजिनरी स्टोरीज, कुछ को हॉरर स्टोरी या कुछ को रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज पसंद होती है। एंड इंडिया में अभी कम ही चैनल जो इस तरह की स्टोरीज पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं उनको काफी अच्छी व्यूअरशिप आती है, लेकिन इसके लिए भी तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के इस बंदे का एक वीडियो देखो जिसका कि तुम्हें थंबनेल देख सकते हो, एक तरफ है रिएक्शन, एक तरफ है
सिंपल सी पिक्चर, लेकिन टाइटल का जबरदस्त लगा हुआ है, तभी इस पे अच्छे खासे व्यूज आ रखे हैं। एंड हाँ, तुम्हें भी अपना टाइटल इस बंदे की तरह जबरदस्त रखना है। एंड साथ ही साथ कुछ और चीजें जो कि मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जो कि इस तरह के चैनल्स में काफी ज्यादा फास्ट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, लाइक न करने वालों के पिछवाड़ों में 8 मिनट लगानी है। तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलना है, तुम्हें आराम से बोलना है, लाइक एक कहानी है सबको सुनानी है, लाइक नहीं करोगे तुम्हारे पिछवाड़े पे आग मैंने लगानी है। देखो यार, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है इस तरह की जो ऑडियंस होती है, इनको चाहे तुम 1 घंटे का वीडियो दे दो, ये पूरा पूरा देख लेंगे, क्योंकि इन्हें स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है। एंड इसलिए फास्ट बोलने की वजह से ना उन्हें कुछ समझ आएगा, ना उनका एंगेजमेंट इस वीडियो में बना रहेगा। इसलिए तुम्हें स्लो एंड आराम से बोलना है, जिससे उन्हें अच्छी से स्टोरी समझ भी आए, एंगेजिंग भी और ज्यादा बनी रहे। लेकिन अब बात आती है कंटेंट की, तुम्हें कंटेंट मिले कहां से, लाइक क्रिमिनल, हॉरर, रियल लाइफ स्टोरीज, ये तुम्हें मिलेंगी कहां से? तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना। इसके बाद जाना है तुम्हें गूगल पे, इस तरह की स्टोरीज तुम्हें गूगल पे देखने को मिल जाएंगी। बेसिकली गूगल पे तुम जिस भी टाइप के अपने हिसाब से स्टोरी सर्च करोगे या फिर क्रिमिनल की सर्च करोगे, उसके बारे में तुम्हें हिस्ट्री और उसके बारे में तुम्हें ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उन आर्टिकल्स को तुम्हें पढ़ लेना, कॉपी में नोट डाउन कर देना, उस तरह से स्टोरी भी तुम्हें इजीली मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ चैनल, जो कि अपना एनिमेशन चैनल। देखो इसके ऊपर तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ऊपर तुम्हें आई बटन में लिंक आ गई होगी, तुम उसे जाके देख सकते हो। पर इस वीडियो में भी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, लाइक अगर तुम अच्छे एनिमेशन नहीं बनाते, तुम सिर्फ सिंपल से एनिमेशन बनाते जो कि तुम मोबाइल से बनाते, लेकिन फिर भी तुम एनिमेशन चैनल पर ग्रो कर सकते हो हाई कॉम्पिटिशन होने के बावजूद। क्योंकि अगर तुम्हारी एनिमेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो तुम अपनी स्क्रिप्ट को अच्छा कर दो, लाइक नॉट योर टाइप। नॉट योर टाइप का एनिमेशन काफी अलग है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट काफी अच्छी होने के कारण उसको काफी अच्छी व्यूअरशिप मिलती है। बाकी तुम मेरी एनिमेशन वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने काफी बढ़िया नॉलेज प्रोवाइड की है। बाकी बढ़ते अपने लास्ट चैनल कैटेगरी के ऊपर, जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जिसकी अर्निंग दिखाई थी, तो ये कैटेगरी हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब देखो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन वाले वीडियो देख के चाहे तुम मनी ऑनलाइन अर्न करो या ना करो, लेकिन ऐसे वीडियो बना के तुम जरूर से अर्न कर सकते हो। ज्यादा सच बोल गया क्या? अब देखो यार, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन वाली जो कैटेगरी है, इसमें अगर तुम्हारे कम व्यूज भी आ रहे हैं तो भी तुम अच्छा खास अर्न कर लोगे। साथ ही साथ स्पॉन्सर का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा हाई होता है, अच्छे खास स्पॉन्सर भी इस पे मिल जाते हैं। एंड इस कैटेगरी में काफी सारे क्रिएटर्स वीडियो बनाते हैं, उनका चैनल अच्छा खासा चलता है। बट ये तो रही ऊपर ऊपर की बात, लेकिन अब बात आती है हम कॉन्टेंट लाएंगे कहां से, उसको क्रिएट कैसे करेंगे। अब देखो यार, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, लाइक बिजनेस कैटेगरीज, या फिर तुम नॉर्मल कैटेगरी में जा सकते हो, जहां तुम छोटे मोटे एप्स के बारे में बता सकते हो। तुम प्ले स्टोर पर जा सकते हो एंड कुछ एप्स को डाउनलोड कर सकते हो जो कि अर्निंग एप्स होंगे, एंड फिर तुम उनका यूज करके देख सकते हो कौन से ऐप में रियली अर्निंग होती है और कौन से ऐप फेक है। जो ऐप रियल है उनको तुम अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, इस तरह के वीडियोस में काफी अच्छी व्यूअरशिप भी आती है। एंड इस तरह की कैटेगरी में तुम्हारे स्टार्टिंग में चाहे 1000 या 500 सब्सक्राइबर क्यों ना, तुम्हें ब्रांड प्रमोशन मिल जाएंगे। बस तुम्हें ब्रांड को खुद से मेल करना पड़ेगा, जो कि नए ऐप्स वगैरह प्ले स्टोर पे आए होंगे उनको तुम मेल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हारा बिजनेस चैनल, तुम्हारा चैनल फ्यूचर में ग्रो होता है, तुम अपने कोर्सेज भी सेल कर सकते हो, इससे भी तुम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तुम ब्लूपर्स एंजॉय करो, मैं चला, बाय। मैं तुम्हें 5 चैनल्स बताऊं? नहीं, 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 नहीं। शिट यार, गर्मी से सर दुख रहा है।